हाय, मेरा नाम निशु सिंह है। मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ। 20 अक्टूबर को मेरा CKD स्टेज 5 डायग्नोस हुआ और उसके बाद करीब 4 डायलिसिस हुए। मैं चेन्नई में अपोलो में भी गई, वहाँ भी एक डायलिसिस हुआ और वहाँ के डॉक्टर ने मुझे ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया। दोनों हॉस्पिटल ने मुझे रेगुलर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट सजेस्ट करना होगा ऐसा बोला गया दोनों हॉस्पिटल में मुझे। फिर उसके बाद मैं हिम्स चंडीगढ़ में गई और वहाँ 9 से 15 नवंबर तक रही। डॉक्टर BRC सर के अकॉर्डिंग मैंने DIP डाइट प्लान फॉलो किया और 2 थेरेपी, एक बाथटब और दूसरा लेग एलिवेशन किया। फिर 16 नवंबर को अपने होम डिस्ट्रिक्ट आकर हिम्स के अकॉर्डिंग DIP डाइट प्लान और दोनों थेरेपी को रेगुलर घर पे ही फॉलो किया। मेरा लास्ट डायलिसिस लगभग 5 नवंबर को हुआ था और 5 नवंबर के बाद मेरा अभी तक कोई डायलिसिस नहीं हुआ है। मैंने दोनों थेरेपी और DIP डाइट प्लान को प्रॉपर फॉलो किया था, इसलिए इफेक्टिव रिजल्ट मिला मुझे और मेरे 5 नवंबर के बाद अभी तक कोई डायलिसिस हुआ नहीं है। ये है लेग एलिवेशन जो मैंने घर पे किया है और ये बाथटब है सेकंड थेरेपी जो मैंने घर पे किया रेगुलर बेसिस पे, जिससे मुझे अभी तक डायलिसिस की ज़रूरत नहीं हुई है। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्टुरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।